दस वर्षों की भांति इस वर्ष भी दसवां विशाल माँ भगवती जागरण किया गया। उसके उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब अभी तक 2000 भक्तगण प्रसाद बांट रहे हैं और अभी प्रसाद चल रहा है। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में आओ, प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागीदार बने। अमित शर्मा आयोजन आज भंडारे का आयोजन रखा गया है। अमित शर्मा जी बहुत ही विशाल भंडारा 2000 से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और लोग आ रहे हैं अभी 12:00 बजे रात में भी भंडारा के लिए बहुत ही भंडारा चल रहा है। मैं अपनी संतोषी माता मैं अभिषेक भरद्वाज इस मोहल्ले की तरफ से सब क्षेत्रवासी और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मोहल्ले में हर वर्ष विशाल भंडारा और जागरण रखा जाता है। इस वर्ष भी 2 वर्ष नहीं रखा गया, फिर रखा गया है। सभी मोहल्ले वासी के सहयोग से अगली वर्ष फिर सकुशल संपन्न हो रहा है। आप क्षेत्रवासियों को धन्यवाद और हमारे मीडिया बंधु को धन्यवाद सोनू भरद्वाज। सभी सनातन धर्मावलंबियों को नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन जो कार्यों से भरा रहे, इसी कामना का जय माता दी। आपका परिचय? गिरिजा भारद्वाज चौकुंडी गिरिजन प्रयागराज के अंदर पूरा माधवी नगर के हमारे बहुत ही अच्छे जो भक्त हैं अमित जी और पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा। इतना बेहतर और इतना सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि कोई भी धार्मिक आयोजन और कार्यक्रम ये बताता है कि आप अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को और अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे उसको सीखना है। और ये सब चीज़ें ना केवल एक भंडारे के रूप में लोगों को दिखती हैं, बल्कि एक हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी सोच को भी प्रदर्शित करती है। ये हमारी जागरूकता को भी दिखाती है। और एक अन्न, जब कहते हैं कि अन्न देवता है, अन्न भगवान है, हम अन्न को भगवान के रूप में मानते हैं और जब इस प्रकार का भंडारा शब्द जुड़ता है तो उसमें सभी प्रकार के लोग, और ये एक ऐसा भी अवसर है जहाँ पर देखने को मिलता है कि विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। कौन किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस धर्म का है, कौन ऊंचा है, कौन गरीब है, कौन बड़ा है, कौन पैसे वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ करके मिट जाती हैं और दिखता है केवल कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति, हम सनातन धर्म, ये भी पता चलता है। और मैं बधाई दूंगा अमित जी और उनकी पूरी टीम को, सोनू लोगों को, सभी लोगों को कि जो इतना अच्छा आयोजन मोहल्ले के अंदर करते हैं। और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं इस मोहल्ले का पार्षद हूँ और मेरे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में ऐसे जागरूक और ऐसे लोग हैं। मैं इनको भी बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सुंदर अभी को मैंने हमें जागरूक रखा और उसका भंडारा कर रहे हैं। मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, पार्टी।